वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन. आई एम रौनक विथ रौनक ट्रेंड्स. तो आज हम लोग जा रहे हैं, आज संडे है तो बेसिकली तो संडे है आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग. तो जी हाँ बिल्कुल कि संडे है आज. तो अब दिवाली भी अप्रोच आने वाली है तो उसके लिए हम लोग अब सोचे हैं कि हम तीनों ने डिसाइड किया कि आज शॉपिंग चलेंगे. फिलहाल डिसाइड नहीं है कि कौन से शॉपिंग में जाएंगे, लेकिन टारगेट है कि धर्मतल्ला ही जाएंगे. तो देखते हैं और इसी चैनल के साथ पता भी चलेगा कि क्या क्या भी इस दीपावली क्या क्या ट्रेंड्स में चल रहा है. हम लोग कोशिश भी कवर करेंगे. हाँ, खाना भी निकल गया है तो अब मिलते हैं फिर. तो फाइनली अब हम लोग रेडी हो गए हैं, मम्मी भी रेडी है, पापा भी रेडी है. तो अब देखते हैं क्या होता है. अभी भी फाइनलाइज नहीं है कि किस जगह जाना है तो देखते हैं. तो कल हम लोग फ्लिपकार्ट से मैंने अपना करीब क्या बोल सकते हैं अपने लिए एक टी शर्ट लिया है जो स्वेटर जैसा काम करता है, काफ़ी अच्छा है. अभी आप रैंडमली दिखा रहे हैं, बाद में हम आपको फुर्सत में जब हम आ जाएंगे तो उसके बाद हम आपको वो दिया है. तो अभी भी हम लोग निकल गए हैं लेकिन कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं. अभी भी फिर कोई डिसाइड नहीं हुआ है किस जगह जाना है. तो देखते हैं, अभी तीनों आगे आगे जा रहे हैं, हम पीछे पीछे. तो जहाँ भी जाएंगे पता चल ही जाएगा. दीपावली की रौनक अभी से ही देखने को मिल रही है. पूरा रास्ता पूरा भीड़, पूरा ट्रैफिक और बहुत क्राउडेड है. तो इतना भीड़ तो मज़ा आ रहा है देख के. अभी मार्केट पहुँचे नहीं है, बस पहुँचने वाले हैं मार्केट. तो मार्केट जाते जाते हम लोग पहुँच गए हैं बड़ी मम्मी के यहाँ फिर से, क्योंकि रास्ते में उनका घर पड़ता है. तो बस हम लोग सरप्राइज खोलने पहुँच गए. तो फिर से हम लोग आ गए हैं बड़ी मम्मी के यहाँ. मम्मी भी यहाँ पे मौजूद है, वहाँ ऋषभ भैया छुपे हुए हैं. और फिर देखते हैं अभी आगे का प्लान क्या है. तो यही सब चीज़. तो फाइनली अब हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे और साथ में बड़ी मम्मी को भी रेडी कर ले रहे हैं. बड़ी मम्मी भी जाएगी हम लोग के साथ बाज़ार. वैसे कि अभी भी तक डिसाइड नहीं हुआ कि हम लोग कौन सा बाज़ार जाएंगे, लेकिन अब काफ़ी लेट हो गया है तो अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि बागुई हाटी वाला बाज़ार जाएंगे जो कि बगल में ही है. हाँ हाँ, मम्मी को देखने का. हम वो मीठा कर रहे हैं जाते जाते, कब हम ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा रहे हैं. ड्राई फ्रूट्स के लड्डू या खाओ खाओ. तो ये अभी यहाँ ड्राई फ्रूट का लड्डू चल रहा है और इधर अभी तैयारी चल रही है. थोड़ा मार्केट करने दिवाली का. ओ दिवाली का सारा सामान वामान देख रहे हैं. भगवान का कपड़ा उपड़ा मिलेगा तो लेंगे. और कृष्ण जी का अभी तक इनका भी कपड़ा आ जाएगा दीपावली के दिन. इनका भी कपड़ा आ जाएगा. तो भगवान माँ काली की शोभा यात्रा निकल रही है. आपको एक दर्शन दिखा सकते हैं. ये बागुईहाटी बाजार, लेकिन भीड़ उस हिसाब से हमको बहुत कम देखने को मिल रही है जिस हिसाब से भीड़ होना चाहिए. दिवाली का लास्ट संडे है तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट पूरा दुकान सब खाली. तो अभी हम लोग का डेस्टिनेशन खत्म नहीं हुआ, लेकिन चॉइस बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं. डॉल भी कितने प्यारे प्यारे हैं. पूरा रोड ऑलमोस्ट खाली है. तो एसी मार्केट से निकलने के बाद हम लोग फिर शॉपिंग करने निकल गए. अपना अपने लिए जो हाफ पैंट और टी शर्ट जो है वो सब ले लिए हैं. तो बागुईहाटी में आपको अगर एसी मार्केट अगर लेना हो, एसी मार्केट से अगर कुछ लेना हो तो आपको बहुत अच्छा अच्छा वैरायटी का सामान मिल जाएगा. और अभी फ़िलहाल मम्मी ले रही हैं कुछ किचन का डेकोरेटिव का सामान. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट. तो मम्मी लोग फ़िलहाल अभी अंदर है साबुरी स्टोर में.
तो यहाँ पे मम्मी अभी सरारा का जो गाउन नाउन है मुझे उतना आइडिया है नहीं, तो वो लेने के गई है। तो देखते हैं मम्मी ले पाती है कि नहीं, उनका साइज़ मिलता है कि नहीं एनिवर्सरी के तौर पर, तो देखते हैं। फिलहाल फ्रेश हो गए हैं और बाज़ार निकलते समय काफ़ी देरी हो गया था हम लोग को, क्योंकि यहाँ से फिर बड़ी मम्मी के यहाँ निकल गए, बड़ी मम्मी के यहाँ गए, फिर वहाँ पे थोड़ा देर बैठे, फिर वहाँ से बड़ी मम्मी को लेके निकले, तो उससे काफ़ी टाइम लग गया। और जब वहाँ पहुँचे तो ऑलमोस्ट सब दुकानें बंद होने की तैयारी में थे। तो आपको कुछ दिखाते हैं कि हम लोग ने क्या छोटा मोटा आइटम सब कुछ लिया। कपड़ा तो ख़रीद नहीं पाए, कपड़ा मतलब हम अपने लिए पर्सनली कुछ अपना लिए और उन लोग अपना ख़रीद ही नहीं पाए। तो जो स्ट्रीट मतलब जो मिल रहा था, तो ये हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहते हैं। ये क्या है, ये एक तरह से पेड़ है, मतलब पत्ता, आई डोंट नो, लेकिन ये लेकिन नकली है, जिसको अगर आप बालकनी में लगा सकते हैं। देखिए पान का शेप के तरह पूरा है, इसको अगर आप बालकनी में पूरा लगा देंगे तो जैसे लगेगा कि पूरा रियल कुछ है। तो मेरे को मतलब सबको ये बहुत पसंद आया, और इसका मतलब देखने में भी बड़ा प्यारा लग रहा है। पान के पत्ते पूरे इसमें, सब में पान का पत्ता पूरा सब जगह लगा हुआ है, तो देखने में यूनिक लगा तो सोचे ले लिए। और पापा ने अपने लिए टी शर्ट खरीदा, पापा और मेरा साइज बेसिकली दोनों का सेम ही लगता है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये सब कुछ कप्स जो कि जब खुलेगा बाद में तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि अभी वरना मम्मी चिल्लाएगी, क्योंकि कांच वाच का है तो इसलिए आवाज़ आया। तो ये छोटा छोटा मतलब वो होता है ना, मतलब छोटा छोटा ग्लासेस विस्की टाइप, तो वो सब लिया गया है। जस्ट फिर यही सब छोटा मोटा डाइनिंग कवर और यही सब वगैरह, और कुछ नहीं। मैंने अपना हाफ पैंट लिया, मतलब जस घर में पहनने के लिए, और एक घर में टी शर्ट जस नॉर्म होम वेयर के लिए, ताकि थोड़ा बहुत ऐसे भी दिवाली था तो अभी कुछ क्या लें, तो यही लिए अभी। ऐसे भी मेरा लेना बाकी। अच्छा हाँ, मेरा येलो कलर का एक और जो मतलब हम मंगवाए हैं वो आपको दिखाते हैं। तो ये वो कपड़ा था जो आपको दिखाने वाले थे, तो दिखाते हैं। रुकिए पहले आपको इसको एक जगह रखते हैं। हाँ तो ये है वो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। अच्छा तो नहीं है, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरे को लगा कि चलो यही पहन लें। और ये सबसे बड़ी बात, इसका ये मतलब ये स्वेटर जैसा काम करेगा, तो फुल स्लिप है और कलर भी थोड़ा ब्राइट है, मेरे को ब्राइट कलर थोड़ा ज़्यादा पसंद ही है और मेरे पर सूट भी करता है, तो यही फिर लिए। तो मेरा ऑलमोस्ट देखते हैं पैंट वेंट पे क्या लेते हैं। और दीपावली के दिन अभी बहुत सारा अभी अपकमिंग इवेंट्स आने वाले हैं, ये दीपावली, फिर छठ पूजा, इस साल पता नहीं छठ पूजा का क्या होगा, और फिर उसके बाद फिर सबसे स्पेशल मेरी मम्मी पापा का इस साल 25th एनिवर्सरी है, तो जस्ट नवंबर में ही इसी महीने, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रहा है। तो फिलहाल तो यही सब चीज़ें, आप आगे देखते हैं क्या होता है। और उसको भी वो
क्या बोलते हैं, जो हमने जो मंगवाया पत्ता जैसा, पान का पत्ता, उसको भी हम लोग एक जगह लगा दिए हैं। आपको अभी नहीं दिखाएंगे, आपको बाद में दिखाएंगे। और एक तो लाइट ऑर्डर किया था वो भी आ गया है। हम लोग उस समय बाज़ार में थे तो बगल में जो थे वो ले लिए। तो अभी तो रात हो गया है, अब कल सुबह ही लेंगे। वो भी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, लव शेप में। तो दिवाली तो लाइट का ही फेस्टिवल है, तो जाहिर सा बात है लाइट का शॉपिंग भी होना ही ज़रूरी था। तो यही सब चला। तो अब देखते हैं कल से फिर सेम रूटीन मंडे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अब देखते हैं उन लोग का, आज तो वैसे भी उन लोग मैंने ड्रेसेस उन लोग नहीं ले पाए, मेरा ही जो शॉपिंग वॉपिंग हुआ मेरा ही हुआ। तो अब उन लोग जाएंगे ट्यूसडे को, शायद हम नहीं जा पाए क्योंकि मेरा ऑफिस का भी काम रहेगा। तो फिलहाल वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जल्दी एक नए व्लॉग के साथ जाहिर होंगे। और अगर कुछ आप लोग को कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ मतलब बोलना है, मतलब कुछ कुछ क्या हम ऐसा क्रिएटिविटी कुछ लाएं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हम उसमें कुछ लाएं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा, बाय बाय।